So hi everyone, this is Keshav Lakhotia from IIT ISM Dhanbad. I am the chemistry educator in IIT JEE category in Unacademy. और आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस जस्ट अभी थोड़ी देर पहले NTA वालों ने रिलीज किया है ऑफिशियली, और जहां पर आपके रजिस्ट्रेशन की डेट्स को बता दिया गया एंड साथ ही में जो काफी बच्चों की चिंताएं थी, आशंका थी कि कौन सा सिलेबस का मतलब कौन सा चैप्टर डिलीट होगा या कौन सा टॉपिक डिलीट होगा, तो वो भी आपकी आज सारी की सारी चिंताएं दूर करने आ गए हैं आपके साथ लाइव अनअकैडमी पर, जहां पर आपको रिड्यूस्ड सिलेबस जो आपका न्यू सिलेबस है वो भी आपको बताया जाएगा कि आपके कौन कौन से चैप्टर रिमूव किए गए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में, एंड आपके रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं एंड कब तक चलेंगे। तो आज आपके साथ पूरा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये NTA की मेन साइट है jeemain.nta.nic.in, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि जस्ट नोटिस बोर्ड पर यहाँ पर इन्वाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर द जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024, जिसका मैंने यहाँ पे नोटिस ओपन कर लिया है, जो कि आप देख सकते हो कि पूरी तरीके से ऑफिशियली NTA की साइट से अब रिलीज हो गया है। अब कोई भी अपने पब्लिकेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अपने डायरेक्ट जो अपना ऑफिशियली रिलीज हुआ है अपने उस पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको मैं फटाफट सबसे आपके रजिस्ट्रेशन डेट्स बता देता हूँ, फिर मैं आपको आपका रिड्यूस सिलेबस भी बता देता हूँ, और बाद में आप लोगों के साथ एक डिफरेंट सेशंस लेंगे जहां पर अपने रिड्यूस सिलेबस को पिछले वाले सिलेबस से कंपेयर करेंगे एंड आपको नेक्स्ट किस तरीके से प्लान करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, राइट। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि देखो यहाँ पर आपका जो इन्वाइटिंग कर दिया गया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर द जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जहाँ पर सबको पता है इसके दो पेपर चलते हैं, पेपर 1 बीटेक वाला चलता है, दूसरा इनका दूसरे वाला चलता है। अपनों को यहाँ पे मेन यहाँ पे इनका दूसरा पेपर चलता है बी आर्किटेक्चर वाला, बी प्लानिंग वाला। यहाँ पर अपनों को मेन पर्पस अपने किससे JEE मेन से है, जिसको आपको मैं यहाँ पे बहुत ही क्लियर तरीके से दिखा देता हूँ। 2024-2025 के अंदर यहाँ पर जो सेशन 1 है वो आपका हो रहा है 2024 में, जनवरी 2024 में, एंड आपका सेशन 2 है वो आपका हो रहा है अप्रैल में। आपको ऑलरेडी डेट्स तो पता ही है नाउ कि अब इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो इसके रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर अप टू 9 PM। यहाँ पर ये साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में आपके यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं JEE मेन के जनवरी अटेम्प्ट्स में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर किन बच्चों को ये लग रहा होगा कि जो जितनी जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेगा तो उसको उतना जल्दी अपना नियर बाय सेंटर मिल जाएगा, या जो वो सेंटर की डिमांड कर रहा है उसको वो सेंटर उतनी जल्दी मिल जाएगा। तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एकदम तरीके से अपने साथ लेकर बैठना एंड बहुत तसल्ली से डॉक्यूमेंट फॉर्म को भरना, बहुत तसल्ली से रजिस्ट्रेशन करना। अदरवाइज आप यहाँ पे एक भी गलती करते हो तो आपने अपने जो 2 से 3 साल लगाए हैं पढ़ाई के अंदर वो पूरी तरीके से आपके वेस्ट चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है सिर्फ आप एक ही बार भर सकते हो। ये बात याद रखना, मोर देन 1 टाइम्स करोगे तो वो आपका दोनों को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, राइट। तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान से एक एक चीज समझ कर जो उन्होंने मांगी है वो सेम चीज भर कर यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स भरने हैं और डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, आपको अपनी रजिस्ट्रेशन एकदम तरीके से करना है, ठीक है। तो आपका जो 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, 30 नवंबर आपका एंड डेट है। लास्ट डेट क्या आपके यहाँ पे आपके जो पेमेंट करने की जो फीस के कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स से करवाते हैं एंड कुछ बच्चे खुद से भी करते हैं, तो जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या UPI के थ्रू भी आप यहाँ पे कर सकते हो। 30 नवंबर लास्ट डेट अप टू 11:50 PM, राइट। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन कि आपका कहाँ पे आपका सेंटर आया है वो आपको बताया जाएगा 2nd वीक ऑफ जनवरी में, राइट। एंड आपका जो एडमिट कार्ड है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली अपने NTA की वेबसाइट से, तो जहाँ पर आपका जो एक्चुअल डेट एग्जामिनेशन का उससे आपको 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा। आपके एडमिट कार्ड के अंदर ही आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आपका सेंटर, आपका शिफ्ट, ये सब कुछ बताया जाएगा क्लियरली, ठीक है। तो सेंटर, डेट और शिफ्ट ये आपको बताई जाएगी किसके अंदर, एडमिट कार्ड के अंदर। तो आपका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन सभी को पता है 24 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में है, राइट। एंड वेबसाइट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसकी आपकी ये वाली जो वेबसाइट है jeemain.nta.ac.in, तो आपकी इस वेबसाइट पर यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड भी रिलीज होंगे, जितने भी आपके पब्लिक नोटिसेज होते हैं वो सब आपके यहाँ पे रिलीज किए जाते हैं, राइट। एंड ये जो आप देख रहे हो कि डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, इस बार सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको रिजल्ट के बारे में पहले ही बता दिया, और ये मुझे श्योर है कि इस बार जिस तारीख को बताया है उसी तारीख को आपका रिजल्ट भी आएगा 12 फरवरी 2024, क्योंकि इस बार आपका जो पेपर है वो कौन करवा रहे हैं, JEE APEX बोर्ड करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका जो NTA के माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं और कब से कब तक खत्म होंगे वो आपको डिटेल कर दिया गया है। और आपको मैंने कल एक आपके साथ एक सेशन लेने वाला हूँ जहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, और आप उनको प्लीज अपने साथ रख लीजिएगा। जल्दबाजी मत करना एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है यदि आप देख सकते हो तो यहाँ पे कि only one application is to be submitted by the candidate. Under no circumstances candidate will be allowed to fill more than one application form. Strict action will be taken even at a later stage against such candidate who have filled more than one application form. तो प्लीज यहाँ पर अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है बहुत ही तसल्ली से ध्यानपूर्वक भरना, और ये सारा जो नोटिस है आपको एनटीए की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां पर मिल जाएगा. नाउ अपने बात करते हैं सिलेबस कौन कौन सा रिड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जस्ट अभी देखो यहाँ पे सिलेबस फॉर द जेईई मेन 2024 इसकी भी इन्होंने अपडेट यहाँ पे रिलीज कर दिया है कि आपका जो लेटेस्ट सिलेबस है तो वो क्या है, जो आपके साथ मैंने यहाँ पे शो कर दिया है. तो ये आपका जो सिलेबस है, आपको यदि विश्वास ना हो रहा कि वही सिलेबस है तो आप लोगों के सामने यहाँ पर अपने इस तरीके से ओपन कर लेते हैं इस वाले पार्ट को. तो यहाँ पे आप देख सकते हो nta.ac.in है डाउनलोड नोटिस. यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो सिलेबस है मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, जो इन्होंने आपके साथ रिलीज कर दिया गया. इन्होंने हर एक चैप्टर के अंदर आपको टॉपिक्स बताए हैं, तो ये टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो आपको भी अपने अभी प्रिपरेशन आने वाले 90 डेज के अंदर उसी तरीके से ही करनी है. बाकी देखो ये भी सिलेबस जस्ट अभी रिलीज हुआ है, जस्ट अभी मतलब 1-2 घंटे पहले. तो अभी अपने इस पे एक सेशन ले लेंगे जहां पर आपको मैं वेटेज वाइज, आज अपना सेशन है 3:30 बजे वाला, जिसके अंदर अपने जो केमिस्ट्री और जो फिजिक्स और मैथ्स है इन सबके अपने एक बार वेटेज वाइज देख लेंगे कि ये जो चैप्टर्स आ रहे हैं इनके कितने कितने वेटेज रखते हैं, और बाद में अपने तीनों का इंडिविजुअली देख लेंगे कि अपने किस तरीके से मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री को करके चलना है आगे. क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा कि कितना पार्ट इन्होंने रिमूव किया हर एक चैप्टर से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर अपने देखें यदि मैथ्स का जो सिलेबस है जो मैं देख रहा था, तो यहाँ पे मैथ्स के सिलेबस में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं. तो यहाँ पे देखो कि मैथ्स में सेट रिलेशन फंक्शन भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट भी है, एंड यहाँ पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, एंड यहाँ पर इसी के साथ आपका इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट भी है, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसके अंदर आपका स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कॉनिक सेक्शन, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी और ट्रिग्नोमेट्री. तो ये आपके 14 यूनिट है आपके मैथ्स के लिए, ठीक है. तो यहाँ पर अभी देखोगे तो कोई आपका देखो मैथमेटिकल रीजनिंग वाला पार्ट यहाँ पे नहीं है, जो बच्चे को ध्यान में बच्चे एक क्वेश्चन करके ही जाते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग का. तो एक तो मैथमेटिकल रीजनिंग यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा होगा कहीं पर भी, तो आपका एक मैथमेटिकल रीजनिंग गायब कर दिया. तो ऑब्वियसली बात है कि मैथमेटिकल रीजनिंग से एक सवाल आपके पेपर में आता ही था, तो जहां पर वो अब एक सवाल किसी दूसरे चैप्टर को वेटेज कर रहा होगा थोड़ा ज्यादा, ठीक है. तो उसको थोड़ा डिटेल में अपने देखेंगे. यहाँ पर आप देखोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कॉनिक सेक्शन पूरा ही है, तो मतलब यहाँ पे आपका पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला तीनों को यहाँ पर बताया गया. तो यहाँ पर पिछली बार भी आप देखोगे 2023 के अंदर तो पैराबोला से बहुत क्वेश्चन आए थे, 2023 के अंदर पैराबोला से बहुत क्वेश्चन आए थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है यार, इसको थोड़ा ध्यान में रखना. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर यदि अपने बात करें इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर, तो यहाँ पर इन्होंने आपको कुछ बता दिया कि ये जो टाइप्स हैं आप इन्हीं टाइप्स को थोड़ा सा ध्यान में रखिए और इन्हीं टाइप्स पर थोड़ा ज्यादा फोकस करके पढ़ाई करिए, ठीक है. तो जो आपका जो मेजर सिलेबस के अंदर चेंज हुआ है ना, वो हुआ है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है. मैथ्स के अंदर इतना खास नहीं हुआ, मैथ्स के अंदर सिर्फ आपका मैथमेटिकल रीजनिंग वाला पार्ट को अभी एक बार हटा दिया है. सीक्वेंस सीरीज के अंदर आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, मतलब एपी और जीपी है, यहाँ से आपका एचपी भी हटा दिया है. तो एक रिलेशन बिटवीन एएमजीएम ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके जेईई मेन के अंदर. सो प्लीज इसको ध्यान में अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना, इसे एक कॉन्सेप्ट की तो बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर आपका एचपी हटा दिया है सीक्वेंस एंड सीरीज से, तो मतलब हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ चीज हटाई है. तो उसको अपने थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या किस तरीके से हटाया गया है, ताकि आपके साथ एक डिटेल एनालिसिस कर लेंगे कि पिछले वाले सिलेबस से क्या हटा है और अपने को इस चैप्टर के अंदर ये चीजें अच्छे से पढ़नी है, और इस चैप्टर में ये चीजें पढ़नी है, और इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, ठीक है. तो उसको अपने डिटेल में देखेंगे आने वाले सेशंस के अंदर. अभी तो आपको मैं सारा सिलेबस अपडेट कर रहा हूँ, एंड इस सिलेबस को आप डाउनलोड भी कर सकते हो आपके एनटीए की मेन वेबसाइट से, ठीक है. तो यहाँ पर आपको कुछ कुछ चीजें बता दी गई है कि जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको सिर्फ ये स्पेसिफिक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट वाली चीजों को थोड़ा ज्यादा ध्यान से करना है. तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको बता दिया, 3 डायमेंशनल का बता दिया, वेक्टर अलजेब्रा का बता दिया, एंड यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग आपका पूरी तरीके से गायब कर दिया गया है, मतलब जिसका एक क्वेश्चन फिक्स था, आता भी था यार, कितना ईजी चैप्टर था वो, और इजी चैप्टर को ही रिमूव कर दिया. जो मुझे ऐसा लग भी रहा था, होना भी है कि इजी चैप्टर को रिमूव कर रहे हैं, और यही आपको केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिलेगा कि जो इजी चैप्टर्स हैं उनको रिमूव कर दिया गया है. एंड वहां पर अब यदि वो चैप्टर्स रिमूव हो रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि उनके जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं तो आपके दूसरे चैप्टर्स में पूछे जाएंगे ही जाएंगे, तो मतलब दूसरे चैप्टर का वेटेज बढ़ने वाला है, तो कहीं ना कहीं तो उसको ओवरकम किया ही जाएगा ना. अपने बात करें यदि फिजिक्स की, तो फिजिक्स के अंदर सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है फिजिक्स एंड मेजरमेंट, जो आपके नॉर्मल, जो आपके लीस्ट काउंट, सिग्निफिकेंट फिगर, एरर्स इन मेजरमेंट, ये वाला जो टॉपिक है. फिर आपके काइनेमेटिक्स वाला पार्ट, जिसके अंदर आपका जो स्पीड वेलोसिटी वाला पढ़ते हो, जो आप स्टार्टिंग में पढ़ते हो अपना काइनेमेटिक मोशंस वाले जो पार्ट्स पढ़ते हो आप, क्या कह सकते हो उसे, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सब, तो ये सब आपका पूरा का पूरा पार्ट है ही यहाँ पे। रिलेटिव वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसमें भी कुछ पार्ट रिड्यूस नहीं किया गया है। और लो ऑफ मोशन के अंदर भी आपके तीनों के तीनों लो ही है, यहाँ पे कोई इसमें डिक्रीजमेंट नहीं किया है। वर्क एनर्जी पावर के अंदर भी यहाँ पर चैप्टर पूरा ही है। रोटेशनल मोशन जो काफ़ी टफ चैप्टर आपके मैकेनिक्स पूरा मतलब यही है यार, तो ये काफ़ी टफ चैप्टर बनता है, लेकिन फिर भी ये चैप्टर आपके पूछा जाएगा, इसको बिल्कुल भी यहाँ से कम नहीं किया गया। एंड ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, थर्मोडायनेमिक्स, ये वाला पार्ट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हो थर्मोडायनेमिक जीरोथ लॉ पूछा है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, हीट, वर्क, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो यहाँ पर थर्ड लॉ के बारे में वैसे डिस्कशन नहीं किया गया, तो फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पड़ जाता है आपके फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वही बात आप केमिस्ट्री में जाओगे तो आपका पूरा थर्मोडायनेमिक्स पूछा ही जा रहा है, तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं करिए, क्योंकि आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर भी आप यहाँ पे देखो कि फिजिक्स का भी ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए। जो टॉपिक्स हैं, जो आपके चैप्टर्स हैं, उसमें से कुछ एक या दो टॉपिक को कम कर दिया गया है, और जो मुझे लगता है काफ़ी ईजी भी थे, तो जिसमें आपको इतना बड़ा मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपके देखा जाए तो आपके ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स है, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ऑसिलेशंस एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट, इलेक्ट्रिसिटी है, एंड फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, और फिर आपके यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, ये आपका जो मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट है ये वही है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, जिसमें आप रेडियो एक्टिविटी के जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो आपके केमिस्ट्री के अंदर है, तो वो आपके मैथ्स में, फिजिक्स में भी आपके आता ही है। एंड साथ ही में जो रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट है, जो आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हो, तो वो भी यहाँ पर पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके वो जो चैप्टर्स है ये अभी भी आपके फिजिक्स में और केमिस्ट्री दोनों के अंदर है, तो कहीं ना कहीं आपको इन चैप्टर्स को तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर 19 नंबर पर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और यहाँ पर यार ये एक्सपेरिमेंटल स्किल्स पूछ लिए गए हैं, जो कि मेरे को ऐसा लगा था कि ये शायद इनको रिमूव कर देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर आपसे एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं आपके, वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब जो बच्चे क्लास 12th वाले होते हैं ना, उनको पता होगा कि जो बच्चे ड्रॉपर भी, उनको आइडिया है कि उन्होंने अपने जब 12th के टाइम पे जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, प्रैक्टिकल्स किए थे अपने स्कूल टाइम पे, तो वो जो प्रैक्टिकल्स किए थे वो इंपॉर्टेंट है यार आपके जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब यहाँ पे देख सकते हो आपका मीटर ब्रीज भी पूछा जा रहा है, ठीक है, मीटर ब्रीज हो गया, मीटर स्केल, यंग मॉडुलस, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ओम्स लॉ, ये जो भी आपने, गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जो जो आपने एक्सपेरिमेंट्स अपने स्कूल टाइम पे किए थे, प्रैक्टिकल के टाइम पे, क्लास 12th के टाइम पे, तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों के पूछे जा रहे हैं। तो मतलब ये लगा था कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स है ये शायद कम कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपके एक्सपेरिमेंट्स भी सारे के सारे पूछे जा रहे हैं। तो ये जो फिजिक्स के अंदर है, तो फिजिक्स के अंदर आप देख सकते हो कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस ही है आपका, मतलब क्लास 11 यहाँ तक लॉ ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, सॉलिड्स एंड लिक्विड, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ऑसिलेशन, वेव्स, तो आपकी जो 10 चैप्टर है आपके क्लास 11th के ही बैठ रहे हैं, जो आपके सारे के सारे ही हैं। मतलब जो आपका SHM वाला पार्ट है वो भी पूरी तरीके से पूछा गया है। तो मतलब यहाँ पर जो मेजर सिलेबस रिड्यूस किया गया है ना, वो केमिस्ट्री के अंदर ही किया गया है, और वो भी बहुत इजी चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया है। बट फिजिक्स और मैथ्स के अंदर सिर्फ एक चैप्टर आपका रिमूव किया पूरी तरीके से, जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग है। बाकी अपने थोड़ा डिटेल में देखेंगे उन सभी चैप्टर्स को भी कि इनमें से क्या क्या टॉपिक्स को रिमूव किया। तो आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट आउट कर देना, ताकि अपने डिफरेंट सेशंस ले लें उन पर, और आपके साथ तीनों सब्जेक्ट का इंडिविजुअली अपने डिस्कशन कर लें कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, राइट। तो ये करंट, इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट भी पूरी तरीके से पूछ ही लिया। यहाँ पर आपको ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज है, इनसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज से तो काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो P/Q = R/S अपने जो करते हैं, तो ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज भी काफी हाई है, तो उसको प्लीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एंड यहाँ पर क्लास 12 के भी सारे ही टॉपिक्स आपके साथ ही डिस्कस किए गए हैं। एंड यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंटल स्किल्स थे, आई थिंक इनको हटा देना चाहिए था, बट स्टिल ये आपके सिलेबस में है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। इसमें आप अपने कुछ भी नहीं कर सकते, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो नाउ वी विल डिस्कस ऑन द केमिस्ट्री, एंड केमिस्ट्री में तीनों पार्ट, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, तीनों को अपने अच्छे से एक बार देख लेते हैं। तो फिजिकल जो केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है, यहाँ पर आप देखिए कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, तो यहाँ पर आपके ये पूरा का पूरा ही रखा है, जिसमें ज़्यादा डिफरेंस रखा नहीं। बाकी अपने इसको एकदम डिटेल में देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स को हटा दिया गया, किसके टॉपिक्स को रखा है। क्योंकि जस्ट अभी सिलेबस रिड्यूस होता है, तो मेरे को भी थोड़ा टाइम लगेगा कंपैरिजन करने में सभी को, तो उसमें आपके साथ एक बार डिटेल में डिफरेंसेस कंपेयर करके आप लोगों के साथ एक सेशन करवाया जाएगा ज़रूर, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट है, ये भी आपका पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे रखा ही है, पॉली एक्सक्लूजन सब कुछ रखा है यहाँ पे, कुछ आई थिंक डिग्रीज नहीं किया, ऊपर से मुझे लग रहा है कि सब कुछ यहाँ पे दिख ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके श्रोडिंगर इक्वेशंस वाले पार्ट भी दिख रहे हैं, 5I² वाला, तो केमिकल बॉन्डिंग जो अभी आपको मैं पढ़ा भी रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये इसको एक अलग से बोल्ड करके यहाँ पे लिखा है, अलग से बोल्ड करके लिखा है, यहाँ पे आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। और ये कल ही मैंने आपको ये सारा का सारा टॉपिक कंप्लीट करवाया है, जस्ट कल वाला सेशन जाके आप देख सकते हो, इसी चैनल पर पढ़ाया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एंड आज अपने बॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आप देख सकते हो। एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग जो मैं पढ़ा चुका हूँ, अपने आज डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर, और अपने कल डिस्कस करने वाले हैं उसके एप्लीकेशंस पर। तो ये वाला पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है, ये तो आपको मैंने कल ही पढ़ा दिया है, एंड ये वाला जो पार्ट है इसको अपने आज करने वाले हैं, एंड इस वाले पार्ट को अपने कल करने वाले हैं। तो ये आपको मैं पूरी तरीके से कंप्लीट करवा चुका हूँ। एंड ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग, फेजान रूल, वैलेंस शेल, बीएसएपीआर थ्योरी, ये आपको मैं पूरी तरीके से ऑलरेडी अनअकैडमी एटम वाले चैनल पर करवा चुका हूँ। यदि नहीं आता आपको तो मुझे प्लीज कमेंट के अंदर बता देना, मैं दोबारा से इन पे सेशंस ले लूंगा ताकि आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं मैं, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके केमिस्ट्री के अंदर। ना अपने बात करें यदि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को, तो जैसे आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा था कि अपने डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर, तो जहां आपके यहाँ पे दिख रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपने स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग के बाद। एंड जो आपके लिए यहाँ पर साफ साफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ रखा है, मतलब थर्ड लॉ यहाँ से रिमूव कर दिया गया, बट थर्ड लॉ में इतना कुछ खास था भी नहीं। तो यहाँ पर आपका ये स्पॉन्टेनिटी, डेल्टा जी, जो गिब्स फ्री एनर्जी वाली इक्वेशन है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस पर मैं डिफरेंट छोटे छोटे सेशंस भी ले लूंगा। बट अभी अपने केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट होने के बाद अपने थर्मोडायनेमिक्स को भी स्टार्ट कर लेंगे, ताकि अपना थोड़ा सा ये वाला जो पार्ट है ये अच्छे से कवर हो, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स आपके फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। एंड सॉल्यूशन की अगर बात करें तो सॉल्यूशन भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2023 के अंदर, इसमें बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं सॉल्यूशन वाले टॉपिक से, ठीक है। आज मैं शाम के आपके साथ 3:30 पर एक सेशन लेने वाला हूँ वेटेज वाला, जिसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि ये जो चैप्टर्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, इसमें कितने कितने वेटेज रखते हैं, साथ में 2023 के अंदर किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि मुझे किस चैप्टर को कितना ध्यान से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, राइट। एंड इसी के साथ यदि अपने डिस्कस करते हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम को, तो इक्विलिब्रियम का भी आपका पूरा ही पार्ट रखा है, आयनिक इक्विलिब्रियम को भी रख दिया, जो थोड़ा सा टफेस्ट पार्ट रहता है आपके फिजिकल के अंदर, बट स्टिल बच्चों के लिए थोड़ा टफर पार्ट रहता है, लेकिन ये स्टिल आपके लिए इजी बना देंगे, इसको टेंशन मत लो आप, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में आपका पूरा रखा गया, रिडॉक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ पे भी आपको पूरा दिख रहा है, केमिकल काइनेटिक्स, तो मतलब आपके जो फिजिकल के टॉपिक्स हैं यहाँ पर मोरल ऐसा देखोगे तो आपको सारे टॉपिक्स ही मिल रहे हैं फिजिकल के अंदर। आपको एटॉमिक भी मिल गया, केमिकल बॉन्डिंग भी मिल गया, थर्मोडायनेमिक्स भी मिल गया, सोल्यूशन भी मिल गया, इक्विलिब्रियम भी मिल गया, रिडॉक्स भी मिल गया, केमिकल काइनेटिक्स, और सब कुछ आपको यहाँ पे मिल गया है। तो यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट बीच बीच में कम हुआ है, जिसको अपने डिस्कस कर लेंगे, टेंशन मत लेना। एंड नाउ अपने बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा। तो ये पहला चैप्टर क्या आपका पीरियोडिक टेबल वाला, इस पीरियोडिक टेबल को मैं पूरी तरीके से डिस्कस करवा चुका हूँ अपनी स्पेशल क्लास पे भी, और अनअकैडमी एटम्स वाला चैनल वहाँ पे जाके देख लेना, हमें मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना दिया पीरियोडिक टेबल का। फिर भी आपको कोई डाउट आता है कि सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो मैं आपको आपस से सेशंस लेके समझा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये वाला मैं पूरा पार्ट कवर करवा चुका हूँ, एसपीडीएफ ब्लॉक का, आयनिक रेडियस, आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, वैलेंस, ऑक्सीजन स्टेट, केमिकल रिएक्टिविटी, ये सारे पार्ट मैं को कंप्लीट करवा चुका हूँ ऑलरेडी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो एस ब्लॉक वाला चैप्टर है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, तो आपका एस ब्लॉक अब नहीं आ रहा है। तो एस ब्लॉक का आपको यदि मैं बात बताऊँ तो आपके 2023 के अंदर एस ब्लॉक से मोरलेस 43 क्वेश्चन पूछे गए थे, एस ब्लॉक से 2023 के अंदर 43 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अब वो 43 क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए थे, मतलब कि हर एक पेपर में 1 से 2 क्वेश्चंस पूछ रहे थे, क्योंकि यदि 20 से 25 पेपर भी लेते हैं, किसी पेपर में 1, किसी पेपर में 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस एस ब्लॉक वाले चैप्टर के। तो अब वो चैप्टर नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वाले चैप्टर के जो क्वेश्चंस थे, मतलब जो उसका वेटेज था, वो कहीं ना कहीं अब डिस्ट्रीब्यूट होगा आपके पी ब्लॉक में या डी और एफ ब्लॉक में, राइट। तो पी ब्लॉक से इस बार थोड़े चांसेस ज्यादा बन जाएंगे और क्वेश्चंस पूछने के। तो जो आपके एस ब्लॉक के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, हो सकता है आपके पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, मतलब जो ब्लॉक केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें से ज्यादा पूछे जाए, राइट। तो साथ ही में यहाँ पर आप देख सकते हो कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सॉलिड स्टेट तो रिड्यूस हुआ ही है, वो तो दिख ही रहा है, सॉलिड स्टेट तो दिख भी रहा था कि रिड्यूस होगा। फिजिकल केमिस्ट्री में आपका सॉलिड स्टेट भी रिड्यूस हो गया, राइट, सही बच्चे बोल रहे हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट रिड्यूस, क्योंकि सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर है आपकी पूरी केमिस्ट्री के अंदर जो कहीं पर भी किसी भी चैप्टर से रिलेट नहीं करता है, किसी भी चैप्टर से रिलेट नहीं करता। सॉलिड स्टेट आपका बहुत ही कम, बहुत ही माइनर रिलेट करता है वो, बट किसी भी चैप्टर से इतना मेजर रिलेट नहीं करता, तो वो चैप्टर आपका पूरा डिफरेंट भी रहता है। और सॉलिड स्टेट से भी आपका एक क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम्स के अंदर, तो फिर आप कहीं ना कहीं अब वो वाला क्वेश्चन, एस ब्लॉक के जो क्वेश्चंस हैं, ये सब क्वेश्चन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका एस ब्लॉक का जो क्वेश्चन है वो आपके पी और डी एफ ब्लॉक में मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मतलब वहां पे वेटेज थोड़ा बढ़ जाएगा आपका पी डी एफ ब्लॉक का। एंड जो सॉलिड स्टेट वाले जो क्वेश्चंस थे वो आपका सॉल्यूशन साइड या थर्मोडायनेमिक साइड में कन्वर्ट होके वहां पे, मतलब जैसे पहले इसके 2 क्वेश्चन पूछ जाते थे, अब आपसे 3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, तो आपका एस ब्लॉक खत्म हो गया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 के अंदर इस चैप्टर से 53 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 53 क्वेश्चंस। टोटल 24 से 25 पेपर्स हुए थे आपके, तो उसमें 53 क्वेश्चंस, मतलब हर पेपर में 2 क्वेश्चंस तो पूछे जा ही रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ आज ही से 4:30 बजे अपने स्पेशल क्लासेस पे। वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा वहाँ पे, तो आप जाके फ्री में उसको ज्वाइन कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आज पहला लेक्चर स्टार्ट करूंगा 4:30 बजे। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड कर दिया है अपनी प्रोफाइल का, तो वहाँ पे जाके आप नोटिफाई कर सकते हो। ठीक है, एंड आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखो सिलेबस रिड्यूस तो कर ही दिया है, यहाँ पर आपका एस ब्लॉक हटा दिया है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी कुछ मुझे लग रहा है पार्ट यहाँ पे कम कर दिया गया है, इसको अपने थोड़ा डिटेल में देखेंगे बाद में। ठीक है, एंड यदि अपने बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपका प्योरिफिकेशन वाला पार्ट रखा है और सम बेसिक प्रिंसिपल भी रख दिया है, नोमेनक्लेचर, ट्राइवल, आईयूपीएसी वाला पार्ट, हाइड्रोकार्बन भी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सब रख दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी सारा रखा है, अल्कोहल, फिनोल ईथर भी पूरी तरीके से यहाँ पे रखा गया, कार्बोक्सिलिक एसिड भी पूरी तरीके से है, और यहाँ पे आपका बायोमोलिक्यूल भी है और प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपका जो इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कुछ रिड्यूस नहीं किया, पॉलीमर आई थिंक रिड्यूस कर दिया इन लोगों ने, पॉलीमर वाला चैप्टर रिड्यूस कर दिया, और बायोमोलिक्यूल तो रखा ही है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, ये सब पार्ट तो रखा ही है। ठीक है, आपका पॉलीमर रिड्यूस कर दिया इन लोगों ने यहाँ से, तो पॉलीमर गया। एक आपका जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाला पार्ट है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, आई थिंक वो वाला टॉपिक भी यहाँ से इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। बाकी अपने इसके बाद डिटेल में भी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पॉलीमर भी रिड्यूस कर दिया और आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनको भी रिड्यूस कर दिए। तो आपका यहाँ पे सिर्फ बायोमोलिक्यूल जो पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियस सी बात है कि पॉलीमर से भी क्वेश्चन आता था, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से भी क्वेश्चन आता था, तो वो वाले क्वेश्चन कहाँ पे कन्वर्ट होंगे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, कहीं ना कहीं तो जाके एडअप होने ही होने हैं। तो राइट, तो प्लीज इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपकी आपको मोटा मोटी यदि बताऊं तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपका सॉलिड स्टेट हटा दिया गया है। ठीक है, और आपको कुछ पार्ट इधर उधर से कम कर दिए, थर्मोडायनेमिक्स में से भी, एंड आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वहां से आपका एस ब्लॉक को हटा दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर यदि आप बात करो एस ब्लॉक के अलावा, तो ये आपका जो पी ब्लॉक है इसको भी थोड़ा सा देखो, यहाँ पे ग्रुप 13 से 18 एलिमेंट सारे के सारे ही हैं, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जर्नल ट्रेंड्स और पीरियड एंड डाउन, यूनिक बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप, तो मतलब इतना ही पार्ट रखा है इन लोगों ने। केमिकल प्रॉपर्टीज रख दिया, इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने रिएक्शंस भी सारी की सारी रख दिया, तो मतलब पी ब्लॉक से जनरल कुछ कम नहीं हुआ है, पी ब्लॉक आपका ऑलमोस्ट पूरा ही है। ठीक है, तो रिलेटिव कुछ कुछ चीजें कम हो गई होगी, बट बाकी पी ब्लॉक आपका पूरा का पूरा पूछा जा रहा है, सो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। एंड पी ब्लॉक को अपने स्टार्ट कर लेंगे, स्पेशल क्लास पे आपका पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हर एक चीज को अपने ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर देखो आपका जो पीरियोडिक टेबल था ना, वहां पर ये देखो एस लिखा हुआ है, पीरियोडिक टेबल के अंदर एस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इन्होंने कायदे से तो एस ब्लॉक को कम कर दिया, तो जो एस ब्लॉक के अंदर वॉशिंग सोडा, ये जो प्रिपरेशन अपने पढ़ते थे, ये सब चीजें आपकी नहीं पूछी जाएगी। लेकिन एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, ये सब आपसे पूछ सकते हैं, ये सब आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो पीरियोडिक टेबल के अंदर इन्होंने एस ब्लॉक को रखा है, और एस ब्लॉक के अंदर एटॉमिक आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वैलेंस, ऑक्सीजन स्टेट, केमिकल रिएक्टिविटी, तो ये सब तो आपसे पूछा जा सकता है। तो यदि आपको उसको डिटेल में पढ़ना है एस ब्लॉक को, तो मैंने ऑलरेडी सेशंस ले चुका हूँ अपने स्पेशल क्लास पे, तो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज जाके एस ब्लॉक की देख लो, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की। राइट, केमिकल प्रॉपर्टी का ऊपर ऊपर से देख लेना, बट हाँ डिटेल में मत जाना, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स इन सब पे मत जाना, बट हाँ आपसे फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एस ब्लॉक से। ठीक है, तो ये बहुत ही चालाकी से यहाँ पे इन्होंने एस ब्लॉक, यहाँ पे सिर्फ छोटे से एस लिख दिया है, तो इसको बहुत ही चालाकी से इन्होंने यूज करा है, और मुझे पता है, श्योर है इसको ये पेपर के अंदर भी यूज करेंगे। बच्चे बाद में बोलेंगे कि सर ये एस ब्लॉक का क्वेश्चन है, कैसे पूछ लिया हमसे। मैं फिर से बता देता हूँ, ये आपका एस ब्लॉक इस तरीके से पूछा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने पीरियोडिक टेबल के अंदर रखा है। ठीक है, बाकी ये आपके साथ पूरा चैप्टर है, ये डिस्कस किया। यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक के अंदर पॉलीमर कम कर दिया, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ कम कर दिया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कम कर दिया, तो कई सारे चैप्टर ऑर्गेनिक में भी कम किए हैं, बट ऑर्गेनिक देखा जाए तो आपको बहुत ज्यादा वेटेज है। मतलब आपको देखोगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो भी चैप्टर्स है वो बहुत ही डिटेल के अंदर आपसे पूछे जा रहे हैं। राइट, तो इसको अपने एक बार, केमिस्ट्री वाले जितना भी पार्ट है इसको अपने एक बार डिटेल में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल का एक बार ढंग से देखेंगे, पूरी तरीके से एनालिसिस करके कि क्या क्या किस में से कितना कम कर दिया गया है। राइट, बाकी आपको मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया कि मोटे मोटे कोई कौन कौन चैप्टर हटा दिए। एस ब्लॉक हटा दिया, आपका सॉलिड स्टेट हटा दिया, आपका जो क्या कहते हैं पॉलीमर हटा दिया, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ हटा दिया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हटा दिया, आपके मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल रीजनिंग हटा दिया, और फिजिक्स में से भी आपका कुछ कम किया नहीं। फिजिक्स में तो आपका एक्सपेरिमेंट भी पूरे पूछे ही हैं, तो फिजिक्स में इतना कुछ कम हुआ नहीं है। और मेटलर्जी भी आपका हटा दिया, राइट। तो आपका यहाँ पे मेटलर्जी भी हटा दिया, तो मेटलर्जी भी अब आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं बनता, तो मेटलर्जी भी आपका यहाँ से हटा दिया गया। लेकिन अपने मेटलर्जी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आई थिंक आपको जितने भी इंपॉर्टेंट ओर्स होते हैं वो पता होना चाहिए, क्योंकि वो आपके कहीं ना कहीं काम आएंगे। आपको मैं बताऊंगा कोऑर्डिनेशन के अंदर भी जब अपने पढ़ेंगे तो आपको ये जो इंपॉर्टेंट ओर्स होते हैं, आयरन के, सीनेबर किसे बोलते हैं, गलेना किसे बोलते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए मेटलर्जी के बारे में, ओर्स के बारे में, क्योंकि आपके वो मिसमैच क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे डी ब्लॉक के अंदर भी एंड आपके यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी, राइट। इसको अपने मोटा मोटी जो ओर्स होते हैं इसका एक सेपरेट सेशन ले लूंगा जिसको आपको मैं बता दूंगा। ये आपका बी आर्किंग अपना नहीं है, आर्किटेक्चर वालों का है। तो अपना जेईई मेन का सिर्फ इतना ही है, आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को। एंड इसी के साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ जो आपको मैं बता भी रहा था। तो अभी आपका मैं आज 2 नवंबर को आज अपने 4:30 बजे से आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला, जिसके 53 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपके लिए 4, 5, 6 इन 4 दिन, 4 तारीख को रात को 9 बजे टॉप 50 PYQ करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपके पूरा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लो। पूरे 50 PYQ डिस्कस करेंगे टॉप 50, ठीक है। आपके फिर 5 तारीख को थर्मोडायनेमिक्स के डिस्कस करने वाला हूँ। एंड आपके 6 तारीख को मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिस्कस करने वाला हूँ PYQs। और ये सारी की सारी क्लासेज आप लोग एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है, तो जाके आपको चेकआउट कर लीजिए, जहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि आपको किस तरीके से यहाँ पे करना है, राइट। तो यहाँ पे आप जाके नोटिफाई कर सकते हो इजीली, आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है ये चीज़ें, ठीक है। तो आप इसको भी जाके देख लीजिए, ये आप लोगों के लिए ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। एंड इसी के साथ आप बच्चों के कहने पर आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया गया जेईई मेन 2024 वाले बच्चों के लिए, जो 3 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कल से स्टार्ट हो रहा है, जहां पर आपका पूरा 11th और 12th का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा जस्ट 90 डेज के अंदर। कंप्रेसिव टेस्ट सीरीज भी है। आपको ये टीचर्स, आपको जो टॉप एजुकेटर्स दिख रहे हैं, ये आपको डायरेक्ट मेंटोर करने वाले हैं नेक्स्ट 90 डेज के लिए। तो जो आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है, आपको बताने वाले कि बेटा ये चीज़ ऐसे पढ़ो, ऐसे मत पढ़ो, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आपकी जो एक प्रिपरेशन के अंदर, क्योंकि गाइडेंस भी मिलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अपने कभी कभी गलत चीज़ें पढ़ रहे होते हैं जो अपने सिलेबस से पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखती है, तो उसको भी ध्यान रखना जरूरी है। जिसका आपको प्राइस यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, 9,999 रुपीज़ आपके लिए पड़ जाएगा इफ़ यू यूज़ दिस कोड KESH10। यदि आप इस कोड को यूज़ करते हो तो आपको ये वाला प्राइस इतने में पड़ जाएगा, 9,999। इसका जो लिंक है ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी अपने एक बार डिटेल में देख लेंगे सभी चैप्टर्स को कि क्या क्या चीज़ अपने और हटाइए, क्या क्या चीज़ अपने और नहीं हटाइए। सो इसी के साथ अपने मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, स्टे ट्यून्ड, राधे राधे।